नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेस को आप देख रहे हैं ना, फेस पे देखो आप, साफ लग रहा है बिल्कुल। अभी कुछ भी लगाया नहीं है, ना पाउडर क्रीम, कुछ भी नहीं है फेस पर। और मैंने अभी लगाया था कच्चा आलू। कच्चे आलू को अच्छे से धो लिया, बहुत मिट्टी विट्टी सब जो चिपकी रहती है सब साफ़ कर ली। उसको मैंने ग्रेट कर लिया, कस लिया। उसके बाद मैंने आँखों पे उसको 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया। थोड़ा सा जूस निकाल लिया था और जो आलू का जूस था उससे मसाज करी, और जो ग्रेट किया हुआ आलू था उसको भी मैंने फेस पर घुमाया। इसके बाद मैंने एक बनाना लिया, बनाना जो क्योंकि काफ़ी पक गया था और फेंकने से अच्छा होता है कि किसी भी चीज़ को यूज़ कर लो, तो उसको मैंने फेस पर मसाज की 2-4 मिनट, गले पर, फेस पर, सब जगह। और उसके बाद फेस वॉश कर लिया। अभी कुछ भी नहीं लगाया है लेकिन बिल्कुल मुझे साफ़ लग रहा है फेस। और मतलब आलू जो है ना, आलू जो होता है नेचुरल ब्लीच का काम करता है। जैसे पपीता है, आलू है, ये नेचुरल ब्लीच है। तो केमिकल वाली ब्लीच यूज़ करने से अच्छा है कि कभी कभी आप इसको यूज़ करें। पहले मैं बहुत यूज़ करती थी क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई। मैंने आपको बताया भी मेरा इतना रूटीन नहीं रहता क्योंकि घर गृहस्थी, बच्चे, फिर अपना काम, बहुत कम टाइम मिल पाता है। और शादी से पहले आप फ्री होते हो तो बहुत टाइम मिलता है कुछ भी अपना ट्रीटमेंट वगैरह करने का। तो बाद में भी मुझे, मैं निकालती हूँ समय, लेकिन इतना नहीं निकल पाता है, चाहते हुए भी नहीं निकल पाता, व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये मैंने लगाया और आप भी ट्राई कीजिएगा। कच्चा आलू बहुत अमेजिंग है लेकिन धुला हुआ होना चाहिए। उसमें अगर जरा सी भी कोई डस्ट वगैरह है तो फेस पर पिंपल वगैरह कई बार निकल जाते हैं। तो हमेशा उसको बिल्कुल 2-3 बार अच्छे पानी, साफ़ पानी से धोकर उसके बाद आपको यूज़ में लेना चाहिए। मैं ऐसी और भी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। और अभी हेयर के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।